चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं और मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है। कहता है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रोम्बस विद डायगोनल बी डी 16 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है और यहाँ एक रोम्बस है ए बी सी डी और इसके जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करके एक फिगर बनी हुई है, तो उस फिगर का ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी ठीक है चाहे वो रोम्बस हो, पैलोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, अगर उसके मिड पॉइंट से उसके जो मिड पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइनिंग करके कोई फिगर बनती है, ठीक है इस तरीके से, तो उसका एरिया क्या होगा, जो बाहर की आकृति होती है यानी जिसके मिड पॉइंट दिए होते हैं उस एरिया का हाफ होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो सॉल्यूशन यहाँ पर, तो बाहर वाली जो फिगर है वो एक रोम्बस है, ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये होता है। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल है इसमें 16 और सेकेंड है 12, तो आइए इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 8 जा, यहाँ पर देखो 12 8 जा, तो 12 8 जा होता है 96, तो 96 सेंटीमीटर² आ गया बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पर जो एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना, एरिया जो निकालना है ई एफ जी एच का निकालना, तो ई एफ जी एच का एरिया इस रोम्बस के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको आपको सिर्फ मेंटल मैथ है, आपको सिर्फ ये दिमाग में सोचना है और उसका निकाल देना एरिया ऑफ यहाँ पर ई एफ जी एच, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये देखिए 96, तो यहाँ पे आ गया 48, तो 48 सेंटीमीटर² होगा, तो आपको इसे टिक मार्क कर देना है, ठीक है। हो सकता है कि मेंटल मैथ में ये आंसर रॉन्ग दिया हो, मिस दिया हो। आइए अब ये 48 आता कैसे है, अब ये हम इसका निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को ले, अब ये 48 कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो ए डी सी ये एक ट्रायंगल हो गई, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गई, यहाँ पर लिख देता ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, तो यहाँ पर एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, और यहाँ पर ये जी है, ये सी डी का मिड पॉइंट है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं जी इज द यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो अब इस मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया गया है, तो यहाँ पर जो जी एच की लेंथ होगी वो थर्ड साइड के जो थर्ड साइड है उसकी हाफ होगी यानी इंटू ए सी इस तरीके से, ठीक है, तो जी एच बराबर हाफ और ए सी है बच्चों 12, तो ए सी क्या है 12 है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ए सी कितनी है 12, तो मैंने 12 लिख दिया, तो यहाँ पर आ गई 6, तो जी एच कितनी हो गई 6 हो गई, तो उसको लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं कंक्लूजन अभी लिखने वाला हूँ, पहले देख लेते हैं। अच्छा अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, अब ले लेते हैं ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, आइए लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर ई मैं इकट्ठा लिखता हूँ, ई एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, अब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले ई है तो ई ए बी पे
और एच ए डी पर, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ई एच इक्वल होगी हाफ। अब यहाँ पर ये देखो ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, तो ये इक्वल होगी हाफ इस थर्ड साइड के, यानी बी डी के, तो बी डी के, ठीक है, इस तरीके से। तो ई एच इक्वल हाफ, और बी डी कितनी है बच्चों, बी डी है यहाँ पर 16, तो यहाँ पर लिख देते 16 और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 8 16, तो 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पर, अब ये फिगर देखो ई एफ जी एच, ठीक है, यहाँ पर ये 6 है और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया बच्चों। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल इसका नाम लिखेंगे ई एफ जी एच का एरिया, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आ गई बच्चों 8 और ब्रेथ है 6, तो 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एरिया निकल गया। अब मैं जो कंक्लूजन लिखने के लिए बोला था वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ए लाइन सेगमेंट यो, सॉरी यहाँ पर ये आइए बच्चों, यहाँ पर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल हाफ टू द, ये आपको लिख लेना है थर्ड साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो क्या होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की लेंथ का हाफ होता है, ठीक है, इक्वल होता है उसके हाफ के इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, ये आपका आंसर निकल गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले भाग में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।